नमस्कार, वेलकम टू स्किल टूल। मैं संदीप रेचास, इसका सर्टेन कॉर्पोरेटर एंड मोटिवेशन स्पीकर। और आज मैं देने वाला हूं एक क्वेश्चन का आंसर। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि सेल्समैन कहां से मिलेगा, अच्छा सेल्समैन तो मार्केट में मिलता ही नहीं है। अरे कैसे मिलेगा सेल्समैन, मैं तो परेशान हो गया ढूंढते ढूंढते। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मुझसे बोलते हैं कि मैं तो सेल्समैन नहीं मिलता है, आप ही कुछ रेफर कर दो, आप जान पहचान के कोई सेल्समैन है। तो देखिए, आज इस सवाल का मैं जवाब देने वाला हूँ। बहुत मुश्किल नहीं है, इसका मैं जवाब देने वाला हूँ। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। मैं आपको 3 सेकंड दूंगा, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए। वेरी गुड, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। नाउ लेट मी जस्ट गेट बैक टू द टॉपिक कि हम सेल्समैन कहाँ से ढूंढेंगे। तो सी, बहुत लोग बहुत तरीका अप्लाई करते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग फेसबुक पे ऐड देते, कुछ लोग अपने रेफरेंस में, जान पहचान में, या फिर एम्प्लॉयज, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को बोल देते कि भाई आपका कोई रेफरेंस है तो बता दो। कुछ लोग एजेंसी हायर करते हैं कि आप सेल्समैन दे दो। इस टाइप का चलता रहता है एंड लोग काफ़ी कुछ खर्चा करते हैं। देन इफ यू मेक द रॉन्ग रिक्रूटमेंट, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आपने जो एफर्ट दिया, इसके बावजूद भी हो सकता है कि आपका रिक्रूटमेंट सही ना हो, तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपका एक तो पैसा चला गया, आप सेल्समैन को सैलरी दिए, उसका आउटपुट नहीं मिला, ठीक है। दूसरा, टाइम वेस्ट हो गया। तीसरा, सबसे बड़ा जो सबसे डेंजरस चीज़ है कि आप जो आपका सेल्समैन है, रॉन्ग सेल्समैन, वो आपका बना बनाया मार्केट बिगाड़ के जा सकता है। जो आपका अच्छा मार्केट चल रहा था उसको कम्प्लीटली बिगाड़ के जा सकता है, जिसको रिवाइव करने में आपको बहुत टाइम लग सकता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू मेक द राइट चॉइस। अब आपको अच्छा सेल्समैन मिलेगा कहाँ से? देखिए, एक चीज़ सोचिए कि FMCG कंपनी के लिए उनका कस्टमर कौन है। मैं कंज्यूमर नहीं बोल रहा हूँ, कस्टमर कौन है? अच्छा, कस्टमर कंज्यूमर, मैंने और एक वीडियो बनाया है, ऊपर लिंक दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो FMCG कंपनी के लिए कस्टमर इज द रिटेलर। अगर रिटेलर किसी से खुश है, मतलब वो बंदा सही है। तो इसीलिए मैं अपना क्लाइंट को भी ये सजेस्ट करता हूँ, जब मैं मुझे ढूंढना होता है तो मैं भी ऐसे करता हूँ। जिस मार्केट में हमें बंदा चाहिए, उस मार्केट में मैं रिटेलर से पूछता हूँ, क्या आप ऐसे बंदे को जानते हो जो अच्छा यहाँ पे आता है, आपके साथ अच्छा काम करता है, सिंसियर है, डिसिप्लिन है, रेगुलर है, और शायद उसको नौकरी चेंज करने की ज़रूरत है, ऐसा कोई आप कोई रेफरेंस दे सकते हो? देखिए, एज अ FMCG कंपनी हो सकते हैं बहुत सारे रिटेलर के साथ ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप है, तो जिसके साथ रिलेशनशिप है तो वो तो आप इजीली बता देंगे। अगर उस मार्केट में आप नए हो, रिलेशनशिप नहीं है, तो दुकानदार के साथ रिलेशनशिप बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप जाओगे, 2 मिनट खड़े रहोगे, बात करोगे, इंट्रोड्यूस करेगा अपने आप को कि मैं इस कंपनी से आया हूँ, वी आर लुकिंग फॉर अ सेल्समैन, तो आपका दुकान अच्छा लगा, मुझे लगा कि आपके दुकान में अच्छे सेल्समैन आते होंगे, एंड गिव सम यू नो अच्छा अच्छा बात बोलिए उसके लिए, दुकानदार के लिए, एंड देन यू आस्क कि भाई आप कोई रेफरेंस दे सकते हो, कोई अच्छा सेल्समैन आप जानते हो कि आपके दुकान में आता हो। सी, इफ दुकानदार इज खुश विद दैट सेल्समैन, अगर उसने सेल्समैन का नाम बता दिया, देन वी आर ऑल्सो हैप्पी विद दैट, क्योंकि भाई दुकानदार ने अगर बोल दिया तो उससे बड़ा टेस्टिमोनियल क्या है, हमें तो वही चाहिए भाई, दुकानदार उससे खुश होना चाहिए। सो इट इज द राइट, दुकानदार इज द राइट पर्सन टू अप्रोच फॉर द रेफरेंस। ऐसे ही आप 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी दुकानदार से थोड़ा रेफरेंस लेने की कोशिश कीजिए। 10 सेल्समैन का लिस्ट बना लीजिए, 10 को कॉल कीजिए, उसमें से आप देखेंगे कि 1-2 ऑलरेडी जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप उसको इंटरव्यू में बुला लीजिए, उनका इंटरव्यू लीजिए और अपना काम चालू कर दीजिए। सो थोड़ा मेहनत लगता है, बैठे बैठे नहीं होता है, मार्केट में जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है, लिस्ट बनाना पड़ता है, तो थोड़ा मेहनत का काम है, बट इट्स वर्थ इट, मुझे जो लगता है। मैंने आपके साथ शेयर किया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए वेदर यू लाइक दिस आइडिया और नॉट, एंड Don't forget to like, share and subscribe. I'll be back with more videos. Thank you.